आज की वीडियो में दोस्तों इस वाली जो स्टैंड है इसको बोलते हैं हम जेड टाइप स्टैंड। और मैंने आपको दिखाया था पिछले वाली वीडियो में किस तरह से आप एच टाइप स्टैंड को फिटिंग कर सकते हैं। इस वाली जो जेड टाइप स्टैंड है ये सबसे अलग है, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा इस वाली वीडियो में, तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो को। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे किस तरह से फिटिंग, क्या क्या हमको मिलता है पैकेट में सब कुछ। तो ये कुछ इस टाइप की पैकेट में आते हैं और उसके अंदर में कार्टून के अंदर आपको सबका सब चीज़ मिल जाएगा। बारी बारी करके आपको दिखाऊंगा क्या चीज़ है, एक एक करके निकालेंगे इसको और आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कैमरा सेट कर चुका हूँ और सेट करने के बाद देखिए दोस्तों ये मेरे जितना भी सारा का सारा चीज़ था सब यहाँ पर निकाल चुका हूँ। और ये जो निकला है ये है इसकी फ्रेम है, जेड टाइप जो कनेक्शन होगा उसका फ्रेम है। और फ्रेम के अंदर में आपको मिल जाता है एक रॉड जो आपको पेडल और आपका जो व्हील है उसमें ये फिट होगा। तो इसको रखते हैं, मैं साइड में रख देता हूँ। साइड में रखने के बाद आपको फिर जो दूसरी जो चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है वो है व्हील, जो कि एक अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे व्हील आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ आपको डबल बेयरिंग का भी सिस्टम है अंदर में, और इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा रॉड निकली हुई है उसमें से आपको जो रॉड है वो फिटिंग होगा। व्हील को रखते हैं साइड में और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक रॉड जो यहाँ पर आपको दो बेयरिंग आपको देखने को मिलेगा ऊपर नीचे। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये पेडल जो यहाँ पे आपको एक स्क्रू देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी हम रख देते हैं साइड में। उसके बाद चलिए दोस्तों अब आते हैं नट बोल्ट की तरफ। तो यहाँ पे आपको चार नट बोल्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि आपकी जो जेड टाइप फ्रेम है उसको कसने के लिए आपको चार यहाँ पे नट बोल्ट मिल जाता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक स्टैंड जो कि जेड टाइप स्टैंड में यहाँ पे फिटिंग होगा। इसके साथ एक खासियत है कि यहाँ पे व्हील लगी हुई है। हमने जो पिछले वाले वीडियो बनाए थे उसमें इतना व्हील नहीं था, लेकिन इसमें छोटी छोटी व्हील दी गई है। तो आप चाहें तो इसको स्लाइड करके कहीं पे भी आप इसको शिफ्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे दो स्टैंड है, तो दो स्टैंड को यहाँ पे फटाफट से मैं इसको रैप को निकाल दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टैंड की जो व्हील है तो आप चाहें इसको निकाल सकते हैं। अगर आपका सिलाई करते करते आपकी स्टैंड आगे पीछे होता है तो आप ये व्हील को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये स्टैंड को साइड में रखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्यों इसको जेड टाइप कनेक्शन बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो होल है आपको जेड टाइप को ही दिखने को मिलेगा। तो मैं आपको एक स्टैंड में आपको दिखाता हूँ ये होल। देखिए दोस्तों यहाँ पे जेड टाइप की यहाँ पे होल दी गई है यहाँ पे और नीचे में और ऊपर में दोनों तरफ से, तो आपको ये जेड टाइप की फिटिंग रहेगी। तो इसलिए मैं आपको इसको जेड टाइप की स्टैंड बोल रहा हूँ। तो इस टाइप से आपको दो मिलेंगे, तो आप इसमें कोई भी लेफ्ट राइट नहीं है तो आप अपने हिसाब से इसको लेफ्ट राइट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जेड टाइप की कुछ क्रस आपको देखने को मिलेगा। तो इस साइड स्टैंड को भी हम रख देते हैं साइड में। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं फ्रेम यहाँ पे ले रहा हूँ, तो फ्रेम आप किस तरह से रखेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। ये फ्रेम को आपको इस तरह से रखना है कि आपकी राइट साइड में आपकी राइट वाली लेग में आपका व्हील आए, ठीक है। जो यहाँ पे जो व्हील दी गई है वो व्हील आपकी राइट साइड में आएगा, और राइट साइड में आएगा तो आपको इजी होगा आपकी राइट साइड में आपको व्हील को चलाते हुए या मशीन को ऑपरेट करते हुए। तो इसको ही आपको राइट साइड में रखना है, ये आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ होल दी गई है और नीचे में एक छोटी सी होल दी गई है उसी को मैच करके आपको स्टैंड में जिस तरह से है क्रस उस टाइप का जेड टाइप का क्रस करनी है। तो मैं आपको उल्टी करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो उल्टी करके का आपको किस तरह से नॉट लगेगा, क्या लगेगा सब मैं आपको अभी दिखाऊँगा आपको। सबसे पहले तो जितना इसकी नॉट बोल्ट दी गई है मैं उसको खोल दे रहा हूँ। खोलने के बाद बारी बारी करके लेफ्ट राइट बारी बारी करके स्टैंड को फिट करेंगे उसकी लेग को। तो मैं अभी इसको एक साइड में लगाने वाला हूँ, तो इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे फ्रेम को उल्टी तरफ यहाँ पे फिटिंग कर रहा हूँ, कहाँ से किधर से स्क्रू लगेगा नट बोल्ट लगेगा सब यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप की लगेगी, और एक वाशर आपको पीछे तरफ देना है और नट जहाँ पे शुरू होता है, और एक तरफ वाशर आपको नट लगाने से पहले आपको लगाना है। तो इस तरह से आपकी अच्छी मजबूती बनेगी और अच्छी तरह से फ्रेम आपस में जुड़े रहेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ चारों को चारों किस तरह से फिटिंग करनी है, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो इस बात का भी ख्याल रखूँगा और आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ एक साइड का दोनों तरफ दोनों लग चुका है। तो चलिए दोस्तों मैं थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को।
तो दोस्तों यहाँ पे जो पाना लगने वाला है ये आपका 14 और 15 नंबर पाना इसमें लगने वाला है। पूरी पूरी सेट में आपको 14-15 का पाना लगेगा और एक माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर और स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं और एक प्लास का भी ज़रूरत इसमें पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से सारा का सारा पेच को पूरी अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों पेडल फिटिंग करने से पहले आपका जो नट है, ठीक है, बोल्ट लगा हुआ है, बोल्ट में आपको दो नट दिखने को मिलेगा, तो आपको उसी हिसाब से एडजस्ट करना है दोनों तरफ से जितना कि ये पेडल आपका फ्री रहे। ठीक है, पेडल आपका जितना फ्री रहेगा उतना अच्छा है आपके लिए। अभी नया है तो थोड़ी सी टाइट आप इसको रख सकते हैं, तो ये क्या हुआ समय के चलते यूज होते होते ये फ्री हो जाएगा, अपने आप ही फ्री हो जाएगा। इसको एडजस्ट करने का तरीका ये है, अगर आपका बोल्ट को और आगे देना है तो आपको जो नॉट लग दी गई है दोनों नॉट को, पीछे वाला नॉट को आपको लूज करते हुए आना है और आगे वाला को टाइट करते हुए आना है। अगर आपकी बोल्ट को अगर पीछे करना है, लूज करनी है, तो पीछे वाले को आपको टाइट करते हुए चलना है और आगे वाले को फ्री करते हुए चलना है, आगे की तरफ लूज करते हुए चलना है। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी जो बोल्ट है वो एडजस्ट होगा, आगे पीछे होकर एडजस्ट होगा। तो दोनों तरफ से आपको इस तरह से बैलेंस करना है जैसे सेंटर में आएगा, तो इसी तरह से आपको फिटिंग करनी है। तो दोनों तरफ से फिटिंग हो जाएगा तो उसके बाद आपको देखना है कि ठीक से फ्री चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अगर नहीं फ्री चल रहा है तो किसी एक तरफ को आपको इस तरह से लूज करते आपको इसको फ्री करनी है। ठीक है, थोड़ी सी फ्री होगा तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, और जितना टाइट कर देंगे तो फिर आपको मारने में दिक्कत होगा और पेडल भी अच्छे से चलेगा नहीं। आपकी जो व्हील है वो उसके सारा का सारा लोड उसी के ऊपर आ जाएगा, रॉड के ऊपर आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपका बैंड भी हो सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें क्योंकि ये इसमें वेल्डिंग का काम सब कुछ इसमें वेल्डिंग का काम हुआ है। अब व्हील लगाने से पहले आपका व्हील में जो साइड में जो दी गई है नॉट उसको खोलना होगा, तो उसको खोलेंगे और उसके बाद व्हील को लगाएंगे इसमें। तो व्हील लगाने से पहले अब सबसे पहले तो व्हील में जो रॉड दी गई है वो आपकी अंदर की तरफ रहेगा ना कि बाहर की तरफ, ठीक है, उसको भी आपको देखनी है। और आपका व्हील टेढ़ी ना हो वो भी आपका देख लीजिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग में कहीं कभार टेढ़ी रहती है नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा जैसे मैं बताया कि वेल्डिंग का काम हुआ है तो कहीं ना कहीं ये बैंड भी हो सकते हैं कहीं तरह से, तो वो भी आपको देखनी है। आप जितना टाइट मारेंगे वो आपके लिए वो अच्छा है। तो यहाँ पे मैं घुमा कर देख रहा हूँ, तो ये देखिए दोस्तों व्हील आपकी पूरी अच्छी से घूम रही है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे रॉड भी फिटिंग कर देंगे, ठीक है। और रॉड फिटिंग करने के पहले आपको ये देखना है कि रॉड में आपकी जो बेयरिंग है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, नहीं कि थोड़ी सी मुड़ी हुई हो। अगर मुड़ी हुई हो तो आपको इसको टाइट एडजस्ट करनी है, सही से लगाना है, क्योंकि इसमें भी आपको थ्रेडिंग सिस्टम है, नॉट बोल्ट का भी सिस्टम है, आप चाहे इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसको आपको देख के लगाना है, सिंपल सा है इसमें और कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से भी लगा सकते हैं, बस आपको देखनी है कि ये दोनों तरफ से सही है कि नहीं, ठीक है, स्ट्रेट एक ही लाइन में रहनी चाहिए। इसके साथ भी इसको आपको हाथ से चला के देखना होगा, अगर नहीं है तो आपका जो पेडल है उसको भी थोड़ी बहुत फ्री करनी होगी आपके हिसाब से, क्योंकि व्हील लगने के बाद वो थोड़ी सी टाइट तो चलेगी ही चलेगी। तो इस तरह से आपको फिटिंग करनी है और उसके बाद आपको जितने भी सारे नट बोल्ट है वो आपको पूरी अच्छी तरह से कस के टाइट मारनी है, क्योंकि ये आगे और फ्री ना हो, एक ही बार में आपको टाइट करके फिट करना है और एक बार इसको हिला के देखना है, चला के देखना है कि व्हील आपका सही से घूम रहा है कि नहीं, बस इतना ही काम है। तो दोस्तों चलिए मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ पैरों में, तो पैरों में किस तरह से ये चलता है, मूव करता है, तो ये देख आप देख पाएंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे पैर से इसको चला रहा हूँ तो ये बहुत अच्छी तरह से चल रही है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से चेक करना होगा आपके हिसाब से फ्री है कि नहीं है। तो अभी मैं आपको चुटकी बजा के लूँगा और दिखाऊँगा आपकी पूरी पूरी फिटिंग, ठीक है, एक एक नॉट से लेकर सब कुछ मैं यहाँ पर फोकस करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों पूरी एक एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, इसमें आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया हूँ, इसमें आप नॉर्मल है वीडियो का स्पीड, आप अच्छे से देखिए किस तरह से फिटिंग है, किस तरह से क्या करना है, अच्छी लुक देखिए आप, एक से नॉट से लेके बेयरिंग तक मैं आपको फोकस करके दिखाऊंगा, इस दिखा रहा हूँ इस वाली वीडियो में, तो पूरी की पूरी जानकारी इसमें है, आप देख लीजिए दोस्तों। ये नीचे का फ्रेम हमारा लगभग कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है, वीडियो लंबी है, आप पेशेंस रख के देखिए, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आप खुद से ही कर पाएंगे घर पर,
मैं इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ आपके बारी बारी करके दिखा रहा हूँ। और मैं आपको दिखा ये भी दिखा रहा हूँ कि ये सब का सब वेल्डिंग का काम है, ये कास्ट आयरन का नहीं है। ये फ्रेम है जो कि वेल्डिंग होकर बन के आता है। इसमें और भी बहुत सारे वेराइटी आते हैं फ्रेम का, तो आपके पास जो भी वेराइटी आए आप उसको फिटिंग भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव वही है कि आप सीख सकें, आप अपने घर पर कर सकें। ठीक है दोस्तों, आप देख पाएँ दोस्तों कितनी जूम कर करके मैं आपको हर एक चीज़ को मैं बारीकी से दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिक को मैंने निकाला नहीं हूँ। ठीक है, तो आप इसको देखिए, सीखिए, और इतना ही आप सीख जाएंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों बारी है इसकी जो प्लाई है उसको लगाने के लिए। तो प्लाई आपको दो टाइप का आएगा, एक तो पतली और एक मोटी। तो ये है मोटी है, और इसके साथ उसके ऊपर में कुछ इस टाइप की कुछ 3D प्रिंटिंग की गई है, तो आप देख पाएँ दोस्तों। तो इसके ऊपर में पन्नी लगी हुई है, तो मैं पन्नी इसको निकालूंगा। निकालने के बाद पूरी तरह से इसके ऊपर मैं रखूंगा, रखने के बाद इसको मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं जो कि इस वाली सेट है इसके सेट में कौन सा मशीन यूज करने वाला हूँ उसका भी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो वही उषा ब्रांड का है, लेकिन स्टैंड हमारा उषा नहीं है, तो ये अलग ब्रांड है। तो उषा का स्विंग मशीन है, तो किस तरह से कैसे क्या करना है सब मैं आपको बताऊँगा वीडियो में। तो इस तरह से मैं इसको स्विंग मशीन को उषा स्विंग मशीन को यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद टेबल में रखूँगा, उसके बाद उसकी कुछ लुक दिखाऊँगा आपको, जो आपको क्लोजअप लुक दिखाऊंगा किस तरह से क्या है। तो इसकी डिजाइनिंग है, पैटर्न किस तरह से है, तो वो आप ऊपर चेस्ट में ऊपर में है, तो किस तरह से कौन सा वैरायटी का आप ले रहे हैं, क्योंकि उषा का बहुत सारे से ब्रांड है, बहुत सारे से उसका नेम है। तो बंधन भी है, फिर टेलर भी है, बहुत कुछ है, डिलक्स भी है, टेलर डिलक्स भी है। तो इस वाली जो अनबॉक्सिंग किया था पिछले वाले उसमें था उषा टेलर डिलक्स था, और ये जो है उषा बंधन है। तो आप देख लीजिए मशीन में, फिर बस उसका नाम में फ़र्क है और बाकी सब उषा का ही ब्रांड है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको हम फिटिंग करते हैं, और फिटिंग का वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा फटाफट से। तो दोस्तों अभी जो मशीन है उसको पट्टा में फिट करेंगे। तो पट्टा में फिट करने से पट्टा में आपको दो ऐसे लॉक दिए गए हैं, तो आपको इस तरह से उसको जो आपका मशीन के पीछे तरफ होल है उसमें फिट करना है। और फिट होने के बाद अभी इसमें हम लगाने वाले हैं रस्सी, जो इसके साथ आता है नायलॉन के रस्सी आती हैं, बहुत अच्छी है। और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत टाइट भी है और बहुत दिन तक ये चलने वाला, और उसको लगाने में भी बहुत परेशानी हुई, और आप देखेंगे किस तरह से। तो मैं दूसरे को भी हेल्प लिया इसमें, और इसमें जो एक छोटी सी लॉक दी जाती है तो उसको भी आप इसमें बैंड करके फंसा देंगे तो ये पूरी तरह से लॉक हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इसको करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों जिस लॉक के बारे में बता रहा था वो यही लॉक है, तो इसको भी हम इसमें कसेंगे। तो इसको लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आया, मैं दूसरे के मेरे सिस्टर का हेल्प लिया इसमें, तो ये सिस्टर के घर में मेरा फिट हो रहा है। तो इसको प्लायर से आपके पास जो है उसमें आपको कस दीजिए, ये हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें होल एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे कि आपका पट्टा का जो होल है वो आपका व्हील के साथ मैच होना चाहिए, और रस्सी आपका ऐसी तरह से रहना चाहिए कि आगे पीछे में जो होल है वो बैलेंस रहेगा, बीच में सेंटर में रहेगा आपका। अगर रस्सी अब आपका प्लाई में या तो आपका पट्टा में अगर घिसेगा तो आपका रस्सी बहुत दिन तक जाएगा नहीं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको पट्टा का भी एडजस्टमेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, और उसी तरह से आपको पीट पीट के एडजस्टमेंट करना होगा, चारों ओर सामान रखना होगा। ठीक है, उस तरह से आपको भी इसे करना होगा। तो इस तरह से करेंगे तो आपका ये मशीन ठीक हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों मशीन कैसे अच्छी तरह से चल रहा है, मूव हो रहा है, तो यही हमको चाहिए था। तो मशीन अच्छे से चलना चाहिए, तो बस आप इस तरह से घर पर कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे लास्ट जो है हमारा यहाँ पे फिटिंग होगा, स्क्रू लगेगा नीचे की तरफ से। तो मैं यहाँ पे नुकीला चीज़ यहाँ पे ले लिया हूँ, और लेके आपको इस पर ठोक ठोक थोड़ी सी होल करनी है, क्योंकि ये हल्की सी प्लाई रहती है तो एक थोड़ी सी होल हो जाएगा। तो आपके पास आप उसके बाद आपका स्क्रू जो दिया जाता है इसके साथ हाफ इंच स्क्रू दिया जाता है, वो आराम से चला जाता है। तो इस तरह से आपको चारों होल में आपको चारों को चारों स्क्रू कसना होगा, बहुत अच्छी तरह से इसको टाइट करना होगा, नहीं तो आपका प्लाई साल दो साल में वो फिर से निकल जाएगा अच्छे से, अगर टाइट नहीं हुआ होगा तो। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान से देख के अच्छे से टाइट करना होगा। आप चाहे तो ड्रिल मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ का भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल दिखा रहा हूँ कि आप अगर घर पे हैं तो कोई भी इसको ऐसे फिट कर सकते हैं, आपको इस टाइप की कुछ मशीन की ज़रूरत भी नहीं है। आप एक नुकीला चीज़ से भी आप इसमें अपना चारों का चार स्क्रू को कस सकते हैं बड़े आसानी से, और बड़े आराम से ये चल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे दो स्क्रू यहाँ पे मेरा हाथ में है काली कलर का, तो ये लगेगा आपका जो सिलाई मशीन है उसके नीचे में लॉक करने के लिए,
वो वहाँ पर लगेगा, तो उसको भी आपको लगाना ज़रूरी है। बाई चांस आप इसमें कहीं पे भी मशीन हिलता है तो वो अपने जगह पे फिक्स रहेगा, इसीलिए यहाँ पे जो दो होल दिया गया है उसमें लगेगा। तो बस इतना ही है फिटिंग इसमें, तो पूरी की पूरी लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड फाइनली दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसकी फाइनल लुक, पूरी की पूरी सेटअप, पूरी की पूरी कैसे हमने फिट की है। आई होप कि आपको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे वीडियो में पूरी की पूरी कवर किया हूँ, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल में को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।